के घर पहुँचे हैं कुछ खास मेहमान, जिनका इशिता खास ख्याल रख रही है। उनके साथ फोटो शोटो खिंचा रही है। खातिरदारी कर रही हैं। ये खास मेहमान कोई और नहीं, इन्हीं दोनों के कुछ चीनी फैंस हैं, जो खास इन दोनों से मिलने सात समुंदर पार से आए हैं। दिन भर में बहुत बहुत लोग मिलते हैं। Somehow I feel towards them, you know, मुझे ऐसा लगता है कि यार जब इतना इंतजार कर रहे हैं तो आई मस्ट ओब्लाइज देम विद अ पिक्चर। अरे बहुत वैरायटी वाले पीपल लोग आते हैं यहाँ पे, चाइना से, फिर कुछ अमेरिकन्स थे वो लोग थे। इशिता, अब इनके एंटरटेनमेंट को थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और अपने पति देव के पास जाइए, जो आजकल काफी हैरान परेशान से रहते हैं, और आप उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का एक मौका नहीं छोड़ती। अब यहाँ ही देख लीजिए, घर में आने वाले नन्हे मुन्ने की सिर्फ बातें शुरू हुई हैं, लेकिन इशिता की स्टोरी काफी आगे बढ़ गई है। वो तो अब इन्हीं खिलौनों के बीच उठती बैठती हैं, और ये सब देखकर रमन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ ही जाती है। इशिता से मिलने वालों की लिस्ट में एक और जनाब भी शामिल है, जो उनके बहुत बड़े फैन हैं और उनके लिए ये प्यारा सा बुके भी लाए हैं। I get humbled, you know, I get more grounded when I meet them. I don't feel like it ki oh I'm the star. Ulta mujhe lagta hai kitni zimmedari hai meri abhi in logon ke prati. Ishita, aapki life mein to bahut sari khushiyan aane wali hai. In khushiyon ko bas sanjo kar rakhiye. Kahin phir se koi aapse ye sari khushiyan chheen na le. Mumbai se Sushila Upadhyay ki report.